हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं ईआरपी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ईआरपी सिस्टम क्या है कि आप लोग जब भी अपसेंटी अपलोड करते हैं, जितने भी बेल्टोन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जिन लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, वो क्वेश्चन करते रहते हैं टेलीग्राम में कि मेरा अभी तक अपसेंटी अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे का तो अभी तक ईआरपी में नाम ऐड भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ईआरपी से जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेश्चन जो है यहाँ पे टेलीग्राम में देखने को मिलता है। तो उसी के लिए आज हम ईआरपी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेल्टोन के पास आउट कैंडिडेट हैं, आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, ईआरपी में आपका नाम ऐड नहीं हुआ है, अगर ऐड हुआ है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। नहीं हुआ है तो फिर भी आप इसके वीडियो को देखना, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले ईआरपी में नाम ऐड करने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है। बेल्टोन का जो लेटर है फ्रेंड्स, उस लेटर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, कौन कौन सा प्रोसेस आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन कौन लेटर आपको बेल्टन को देना है, ठीक है। पहला लेटर क्या देना है, दूसरा लेटर आपको बेल्टन को क्या देना है, तीसरा लेटर बेल्टन को क्या देना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, ठीक है, स्किप मत करना, मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप इस पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आए फ्रेंड्स कि ईआरपी में कैसे नाम ऐड होता है और ईआरपी में आप कैसे अपसेंटी अपलोड करते हैं, ठीक है, सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन में आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आप इस लेटर को देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लिखा हुआ नव नियुक्त प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर DEO मानदेय परिश्रम हेतु आवश्यक सूचना। ये नोटिस फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा मेरी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लेटर को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है नव नियुक्त प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर DEO, ठीक है। हेतु ईआरपी ऑफलाइन ईआरपी से मानदेय एवं मैपिंग करने हेतु निम्न पत्रम में अभ्यर्थी अपना विवरण अंकित कर प्राधिकृत नोडल प्राधिकारी से हस्ताक्षर करते हुए बेल्टोन को उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, नंबर एक, ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति के मामले में जिन कार्यालयों का ईआरपी आईडी नहीं बना है, सर्वप्रथम कार्यालय विभाग से नोडल प्राधिकारी को नामित करते हुए पत्र वन में कार्यालय संबंधी विवरण भरकर नोडल प्राधिकारी अपने पत्र के द्वारा बेल्टोन में जमा करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में आपको नोडल प्राधिकारी के सारे डिटेल्स भरकर लेटर के साथ आपको भेजना है, ठीक है। वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मांगना है, नोडल प्राधिकारी का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, उसका एड्रेस, भुगतान का कार्यालय वही एड्रेस, उसके बाद लिखा हुआ है CFMS ID। अगर CFMS ID आप विभाग देता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर मैं आप में लिख सकते हैं कि चेक के थ्रू होगा या फिर UTR के थ्रू होगा पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप ये सब जो है फिल करके आप लेटर में इसको अटैच करके आप बेल्टन को भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेटर का फॉर्मेट मैं भी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, प्रपत्र वन के आधार पर बेल्टन के ERP द्वारा प्रपत्र में वर्णित कार्यालय का ईआरपी का आईडी निर्गत होगा जो पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से नोडल अलग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे यहाँ पर नोडल पदाधिकारी बनने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा, यूजर आईडी वही होता है, पासवर्ड वही होता है। तो यूजर आईडी जो है नोडल पदाधिकारी के ईमेल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद सारी प्रोसेस होगी। तो योगदान की तिथि दिनांक 1 से 30 के बीच अगर कोई तिथि है तब उक्त अवधि को मैनुअल विपत्र बनेगा जिसके लिए प्रपत्र निम्नवत रहेगा,
अगर आप ऑफलाइन वेबसाइट भेजते हैं तो इस प्रकार का फॉर्मेट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। सेवा में बेल्टों लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है विषय में लिख के, उसके बाद आपको ये फॉर्मेट में भी आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको एब्सेंटी भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअल अगर आप भेजते हैं ऑफलाइन, जब आपके एडीएल में चल जाता है, जब आपका एयरपिन नाम में चलता है, उससे पहले मंथली का आप पेमेंट नहीं मिला है, तो आपको ऑफलाइन इसी फॉर्मेट के द्वारा ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। प्रपत्र टू के आधार पर डाटा इंटरप्रेटर आर्टिकल्स का मैनुअल विपत्र बेल्ट्रॉन द्वारा निर्गत किया जाएगा। निर्गत किए गए विवेक के अनुसार पत्र में राशि यूटीआर अधियाचना कार्यालय विभाग अपने पत्र में उल्लेखित करते हुए निर्गत विपत्र के प्रति यूटीआर को मूल प्रति भेजेंगे, फिर उसके बाद विधान कार्रवाई की जाएगी। तो आप इस फॉर्मेट को फ्रेंड्स दे सकते हैं, यहाँ पे देख सेवा में है प्रबंधन निदेशक बेल्ट्रॉन, उसके बाद विषय में नोडल नामित करने का संभव है। सबसे पहले आपको नोडल नामित करना पड़ेगा, नोडल प्राधिकारी बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नीचे वाला जो फॉर्मेट वो भरना पड़ेगा, नोडल ऑफिसर का नाम और ऊपर वाला जो कॉलम और रो आप देख रहे हैं उसमें आपको अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रेटर का नाम, एम्प्लॉय आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेटर में नोटिस में आपको दिखाया कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि जॉइनिंग डेट यहाँ पे में जोड़ने के संबंध में और नोडल प्राधिकारी बनने के संबंध में, यहाँ पे दो लेटर नहीं, वहाँ एक ही लेटर में दोनों फॉर्मेट बन के जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सुविधा होगा, ठीक है। इसमें आपका इस लेटर में इस प्रकार के आप भेजते हैं तो आपका दो काम हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका ईआरपी में डेट ऑफ जॉइनिंग ऐड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नोडल प्राधिकारी का नोडल प्राधिकारी भी बन जाएगा, ठीक है। दो काम इस लेटर के थ्रू हो जाए, तो इस लेटर का फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स विपत्र प्रपत्र के टू में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्म संख्या, डाटा एंट्री नाम, एम्प्लॉय आई डी, योगदान तिथि, इस तरह आपको एब्सेंटी भेजना पड़ेगा ऑफलाइन। तो इस तरह एब्सेंटी भेजने की, जैसे आप एब्सेंटी मैनुअल बना के भेजते हैं, बस उसी तरह आपको बना के बेल्टन को भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है लेटर नंबर के साथ, कार्य विभाग की लेटर नंबर के साथ आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भेजने के बाद आपको 15 या महीना दिन के अंदर आपको लगभग लग जाता है बिल बनने के बाद। बिल बनने के बाद आपका जो होता है यूटीआर यहाँ से भेजा जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो बिल बन के बेल्टों से आता है, उसके बाद जो है आपका पेमेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसी को आप जो फिल करके इस प्रकार लेटर आपको बेल्टॉन ऑफिस से मेल करना पड़ेगा और आपको इन हैंड भी देना पड़ेगा। इन हैंड देने से क्या होता है फ्रेंड्स, इन हैंड देने से आपको जो है सबसे पहले कि इन हैंड देने से सबसे पहला ये होता है कि जल्दी आपका काम होता है, और ऑनलाइन अगर आप मेल करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इन हैंड अगर आप दे सकते हैं तो इन हैंड भी आप लेटर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी बाय पोस्ट तो जाता ही है लेटर, उसके बाद मेल आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक दूसरा लेटर, इस दूसरा लेटर को आप देख सकते हैं ईआरपी में डेट ऑफ जॉइनिंग जोड़ने के संबंध में। तो इस लेटर में जो है सारी चीज़ें हैं, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट से सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो है नोडल आई डी, ऑफिस नेम, सारी चीज़ें, नाम, पैटर्न, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जॉइनिंग डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह फॉर्मेट में भर के आपको देना है। तो इससे आपका जो है डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ पे ईआरपी में जुड़ जाएगा, जिसमें मैपिंग करने में आसानी होती है, इससे आपका मैपिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप दो कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा सनर, और इस तरह फॉर्मेट में दो आदमी का जाएगा, ये एक फॉर्मेट हो गया ऊपर में, और दूसरा फॉर्मेट दो आदमी है तो और एक फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। उसके साथ अटैच करके लेटर यही रहेगा फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं अंचल अधिकारी, मतलब कि नोडल अधिकारी जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेगा, और वहाँ प्रेषक में आपका वही रहेगा नोडल अधिकारी, उसी का यहाँ पे नाम वगैरह देना है,
और नीचे में आपका नोटर अधिकारी ही साइन कर लिया। इस तरह से लेटर आपको बेल्ट्रॉन भेजना है, मेल और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैपिंग करने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है, मैपिंग के बाद भुगतान की प्रक्रिया अनुमत है, ठीक है, दिया हुआ है और इस तरह का फॉर्मेट आपको बना के भेजना है फ्रेंड्स, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जोड़ने के संबंध में इस तरह का आपको डिटेल्स भर के बेल्ट्रॉन को देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैपिंग, यानी कि मैपिंग क्या है फ्रेंड्स, मैपिंग एक केवाईसी की तरह है। तो ये सारे डिटेल्स आपको लेने के बाद अगर आपका डिटेल्स में कोई कमी या फिर गलती पाया था, एरर होता है, तो आपको कॉल किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को कॉल आता है, बहुत सारे कैंडिडेट को कॉल नहीं आता है। तो मैपिंग करने के लिए यहाँ पे जो है पहले यहाँ से केवाईसी होता है मेल्ट्रॉन से, उसके बाद जो है विभाग में आपका ईआरपी में आता है जहाँ से आपका नोडल पदाधिकारी वेरीफाई करता है कि सारे कैंडिडेट मेरे ठीक है, ठीक से वगैरह सारे चीज़ें ठीक है, जहाँ से वेरीफाई करने का सबमिट करता है, उसके बाद आपका जो है मैपिंग कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके आप यहाँ प्रपत्र 3 में आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लें एक बार, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एंटीबायोटिकल्स यहाँ पे जो है दिया, ईआरपी सिस्टम में बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा, सारी बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा, ईआरपी सिस्टम मैपिंग के उपरांत अपनी उपस्थिति आप अपना अपसेंटी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं नोडल पदाधिकारी के ईआरपी आईडी से, ठीक है। ईआरपी आईडी में लॉगिन करने के बाद अपना अपसेंटी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बिलिंग रिसाइकिल के अनुसार ईआरपी में पद्धति में अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें ऑटो जनरेट आपका जो है इनवॉइस आपका ऑटो जनरेट वहाँ पे हो जाएगा, इसमें आपका कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इनवॉइस जनरेट होने के बाद उसमें आपका यूटीआर नंबर सबमिट करेगा ईआरपी में, इसमें आपका चेक नंबर होता है या फिर यूटीआर नंबर होता है उसको सबमिट करेगा, ठीक है। यूटीआर सबमिट करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ यूटीआर सबमिट होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी। यूटीआर सबमिट होने के 15-20 दिन बाद आपको मानदेय भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनवॉइस जनरेट यहाँ पे जो होता है वो मैनुअली नहीं होता है, वो ऑटो जनरेट हो जाता है ईआरपी में, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है ईआरपी में, और ऑफलाइन आप भेजते हैं तो उसमें आपको थोड़ा प्रोसेस टाइम लगता है, ठीक है, जिसमें कि आपको जब बेल्ट्रॉन से बिल बन के आता है उसके बाद यहाँ से आपका जो है यूटीआर जाता है, यूटीआर जाने के 10-15 दिन बाद आपको जो है मानदेय का भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स इनवॉइस जो जनरेट होता है तो इस प्रकार का जनरेट होता है, आप देख सकते हैं ईआरपी में आपको इनवॉइस जनरेट होने के बाद इस तरह का देखिएगा कितना आपका टोटल अमाउंट है, कितना ग्रोथ अमाउंट है, कितना जीएसटी कटा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर हेल्पफुल लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह बेल्ट्रॉन से लेते हैं छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।